तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो ये मैंने टिया के लिए मॉनसून और विंटर्स में बनाती हूँ, एलमंड सोक्ड इन हनी अजवाइन एंड इन जिंजर। तो ये काफ़ी हेल्प आउट करता है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जैसे सर्दी हो गई, बारिश का टाइम है, सर्दी बच्चों को बहुत जल्दी हो रही है, एंड अजवाइन तो काफ़ी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है ही, गैस एंड काफ़ी एंटीसेप्टिक भी है। तो फिर इसलिए मैं इसे सोक करके रहती हूँ, एंड अर्ली मॉर्निंग एक एलमंड और एक वन स्पून ऑफ हनी मैं इसको ये देती हूँ। मैंने कैसे बनाया है देखिए, और आप भी ट्राई कीजिए। कभी कभी मुझे भी इच्छा हो जाती है तो मैं भी खाती हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए। आप एक जार ले लें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। मैंने कुछ 20-25 एलमंड लिए हैं, मामरा एलमंड। मेक श्योर आप एलमंड को पहले वॉश कर लें, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा डर्ट आता है, मिट्टी आप देख सकते हैं कि कितनी सारी निकली है। तो मैंने 2 बार एलमंड को वॉश किया है, एंड वॉश करने के बाद वो एलमंड्स मैं डाल देती हूँ जार में। एंड उसके बाद ये स्मॉल स्पून है, जो ये 1.5 स्पून मैं इसमें अजवाइन डालती हूँ एंड जिंजर ग्रेट करके डालती हूँ। ये 1-1.5 इंच रहेगा, 1 स्मॉल स्पून मैंने डाला हुआ है। एंड फुल जो मेरा जार आपको दिखाया था वो भर के मैंने हनी डाल दी है। 1-2 दिन में हनी का फ्लेवर चेंज हो जाता है, एंड एलमंड भी पूरी तरीके से सोक हो जाते हैं, एंड बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी भी लगता है, एंड बहुत हेल्दी भी है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो आप कंटेनर में ऐसे भर के रख दीजिए, एंड एंजॉय कीजिए बारिश एंड मॉनसून में।